राजस्थान रॉयल्स को टूर्नामेंट के शुरुआती चरण में ही एक बड़ा झटका लग चुका है। जी हाँ, बता दें आपको कि अब तक की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि टीम के स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स चोटिल होकर आईपीएल 2021 के पूरे सीजन से बाहर हो गए हैं। बता दें कि पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच में उंगली टूटने की वजह से उन्हें आईपीएल के 14वें सीजन से बाहर होना पड़ा है। फिलहाल आपको बता दें कि स्टोक्स भारत में ही रहेंगे और इंग्लैंड की मेडिकल टीम उनकी देखरेख करेगी। ऐसे में आपको बता दें कि बेन स्टोक्स सोमवार को पंजाब किंग्स के खिलाफ मैच के दौरान क्रिस गेल का कैच लपकने के प्रयास में चोटिल हो गए थे। इस मैच में उन्होंने शुरू में गेल का एक कैच छोड़ा था, इस कारण उन्होंने पुजारा पुरजोर प्रयास किया और उन्होंने लॉन्ग ऑन से दौड़ लगाई और कैच के लिए डाइव लगाई। इसके कुछ देर बाद वो दर्द से परेशान नजर आए। बता दें कि उस चोट के बाद उन्होंने मैच में एक ओवर से ज्यादा गेंदबाजी नहीं की और बल्लेबाजी में भी नहीं चले। बता दें कि इस मैच में उनकी टीम राजस्थान रॉयल्स को 4 रन से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड के इस ऑलराउंडर के हाथ का एक्सरे होगा ताकि चोट की गंभीरता पता चल सके, उसके बाद उनकी चोट की रिकवरी को लेकर योजना बनाई जाएगी। ऐसे में आईपीएल 2021 के शुरुआती में ये राजस्थान रॉयल्स के लिए बेहद बड़ा झटका है, जिससे फैंस नाराज नजर आ रहे हैं। बता दें आपको कि राजस्थान रॉयल्स का अभी एक मुकाबला हुआ है पंजाब किंग्स के खिलाफ, जहां पर राजस्थान रॉयल्स को महज 4 रन से हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में राजस्थान रॉयल्स के लिए इतने बड़े ऑलराउंडर के जाने से दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। ऐसे में देखना होगा राजस्थान रॉयल्स बेन स्टोक्स को रिप्लेस करते हुए किसको जगह देती है। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।